चार धामों में सबसे प्राचीन धाम बद्रीनाथ धाम है। यह हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरी हुई धाम है। इनकी कहानी सतयुग से जुड़ी हुई है, इसलिए ही यह सबसे प्राचीन धाम है। इस धाम में आप जो ऊंचे ऊंचे पर्वते देख रहे हैं, वो यहाँ पर लोगों का मानना है कि ये नर और नारायण हैं, जो कि सतयुग के समय विष्णु के अवतार थे। बद्रीनाथ की अलौकिक प्रातःकाल का आनंद लेते हुए ये मैं ये ऊंचे ऊंचे पर्वते जो कि आसमान को छू रही हैं, इनके चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, इन चोटियों से निकलती हैं अलकनंदा नदी, जो कि नर और नारायण पर्वतों के बीचों बीच बहती है, एक तरफ नर दूसरी तरफ नारायण पर्वत। हमारे चार धाम चार युगों का प्रतीक है। सबसे प्रथम धाम बद्रीनाथ धाम है, यह धाम सतयुग का प्रतीक है। इस धाम में नर और नारायण पर्वतों का महत्व है। नर और नारायण सतयुग के समय ये दो भाई थे। माना जाता है कि ये दो भाई विष्णु जी के ही अवतार थे। सतयुग काल के अंत में नर और नारायण ने इन पर्वतों का स्वरूप ले लिया और माना जाता है कि वो आज भी बद्रीनाथ धाम में इन पर्वतों के स्वरूप में रहते हैं। This is Badrinath bus stand. Badrinath bus stand. This way is for Badrinath temple. Work is going on Badrinath. It's in full swing. Hopefully this place is going to be one of the beautiful dhams. Everywhere construction work is in progress. आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम का प्रांगण है। अलकनंदा रिवर डाउन यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं गर्म पानी गर्म कुंड में। हाँ, और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर।
फिर से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बद्रीनाथ धाम मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है उसे श्री आदि शंकराचार्य जी ने खुद ही अलकनंदा नदी से निकाला था और उसे स्थापित किया था। उनके स्वप्न में ये आया था कि विष्णु जी की प्रतिमा अलकनंदा नदी में है और उन्होंने उसे निकाल कर यहाँ स्थापित किया था। माना जाता है कि इस मंदिर में विष्णु जी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। सृष्टि का आठवां वैकुंठ भी कहा गया है। इस धाम में लोग अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी आते हैं। माना जाता है कि यहाँ तर्पण करने से उनकी आत्मा को वैकुंठ धाम में शरण मिलती है। हम लोगों ने ब्रह्म कपाल घाट पर अलकनंदा नदी के किनारे अपने पूर्वजों को तर्पण किया और परदादी बोलते हैं परदादी पितामह गायत्री सावित्री शर्मा में नाम बोलते रोदकम रोदकम दस्ते शर्म दस्ते शर्म दस्ते शर्म। यह पे काऊ चाचा उतरे स्पीच
एवं पितरों का तर्पण कर हमारे मन में शांति थी, पर कहीं दूसरी तरफ थोड़ा दुख भी था उन्हें याद कर। यहाँ के पहाड़ी कुत्तों के शरीर पे कितने बाल हैं। हम लोग फिर बद्रीनाथ से प्रस्थान कर गए और माणा गांव की तरफ चल दिए। माणा गांव बद्रीनाथ से थोड़े ही दूर पे है, करीब 3-4 किलोमीटर दूर। यह गांव भारत का प्रथम गांव भी माना जाता है। इसके बाद चाइना की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। ये बर्फ, स्नो, सॉलिडिफाइड स्नो। उस तरफ भी ऊपर में वो है, नीचे में यहाँ पर है, इससे भी पानी निकल रही है। माना जाता है कि माणा गांव से ही 5 पांडवों ने
स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ी थी। ये माणा गांव के अंदर जाने के लिए द्वार है। चूँकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ था और हमारे पास समय का अभाव था, हम लोगों ने इसलिए तय किया कि इस बार शायद हम लोग सही से माणा गांव घूम नहीं पाएंगे। हम लोगों ने बस उस द्वार से प्रवेश कर दूसरी तरफ गए और फिर वापस आ गए। उस जगह का दृश्य इतना मनोरम था कि हम लोगों ने तय किया कि बिना एक दो तस्वीरों के हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे, और हम लोगों ने कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। आंख सकते हैं इस क्षेत्र की नैसर्गिक खूबसूरती को, बहती हुई अलकनंदा नदी पहाड़ों के बीचों बीच और बादलों से ढके हुए पर्वते। इन वादियों में कुछ पल और बिताएं, कुछ सांसें और लें, पर हमारी मंजिल कहीं और, किसी और तरफ हमें खींच रही थी, और फिर हम लोग उस जगह से निकल पड़े दूसरे गंतव्य की तरफ। जय बद्रीनाथ की जय, जय बद्री विशाल की जय।
was nice lunch. So we are satisfied. हम लोग सुबह से काफ़ी भूखे थे क्योंकि हमें पूजा करना था और फिर हम लोग वहाँ से बिना खाना खाए निकल पड़े थे। सोचा था रास्ते में किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसी प्रकार से हमें एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिला और हम लोगों ने बढ़िया खाना खाया। रात्रि में हमें एक सड़क के किनारे बढ़िया होटल दिखाई दिया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात हम लोग यहीं बिताएंगे। यह होटल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग क्षेत्र में था। Thank you.